दोस्तों, मेरा नाम है मनीष पुरोहित। आई हैव बीन विद इसरो और आई हैव वर्कड ऑन अराउंड 19 प्रोजेक्ट्स ऑफ इसरो। मंगलयान की बात करें तो आई हैव वर्कड ऑन मंगलयान। आई यूज टू डिज़ाइन पावर सिस्टम्स फॉर द सेटेलाइट, बट देन माई लाइफ टेक अ बिग टर्न और वो सब कुछ हुआ था 20s में। माई 20s वर टर्बुलेंट। मेरी 20s में बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो एक चीज़ अभी तक मेरे पास है मेरी 20s की, वो है मेरी लव स्टोरी। एंड 20s में, मतलब इट्स नॉट अबाउट माई लव स्टोरी, इट्स अबाउट गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल। क्योंकि आई एम फ्रॉम माई स्पेस बैकग्राउंड, तो मैं आई यूज़ द टर्म्स दैट वी यूज़ इन सेटेलाइट्स, स्पेस क्राफ्ट, नेविगेशन की बात करते हैं। बट देन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 20s में एक लव स्टोरीज ही हुई थी कि भाई मेरी एक लव स्टोरी हुई, बट दैट शेप द होल लाइफ फॉर मी। मतलब आप अज्यूम कर सकते हो कि आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ बैठी है और वो बोल रही है कि डेट पे हैं लेकिन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम पास में आ रहा है। गाइडेंस, दैट्स द गाइडेंस आई गॉट। मतलब तो मोटिवेशन मुझे कहाँ से मिला? तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेविगेटिंग 20s, तो देखो कहानी ऐसे चालू होती है। यू ड्रीम अबाउट हायाबूसा की जॉब लगी है आप, मतलब मेरा बताऊं तो मैं कितना ट्रांसफॉर्म हुआ हूं। मैं इतना ट्रांसफॉर्म हुआ एज अ पर्सन कि कभी मैं सोचता था कि यार ठीक है ना, पैसा आने लग गया है, जॉब में है, आई विल बाय अ हायाबूसा। फिर मुझे पता चला नहीं आ रही, तो एक एसेट है जो कि डेप्रिशिएट होगा, बेटर है 10-1 लाख रुपए स्टॉक्स में डालता हूँ, 10 के 16 हुए, एक्स्ट्रा जो 6 मिले उससे मैं मेरे मन का करता हूँ। एक टाइम ऐसा था जब मैं सोचता था कि नहीं यार, ऑडी और मर्सिडीज़ तो ले लेनी चाहिए, लेकिन अभी ऐसे एसेट्स हैं मेरे पास जिसमें मैंने 1 करोड़ डाला और वो अभी 2.5 करोड़ के हैं, तो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है। सो दीज 20s हैव शेप्ड मी अ लॉट। अब इसी को अपन समझें तो ये जो फेज होता है ना लाइफ का, इट्स लाइक अ स्टॉर्म। ये इतनी ज़्यादा एनर्जी लेके आता है ना अपने साथ कि आपको लगता है आप सब कुछ कर सकते हैं। यू कैन बी एनीवन, यू कैन बी एनीथिंग, बट द प्रॉब्लम इज उस वक्त हम ये भूल जाते हैं दैट वी हैव टू बी द बेस्ट ऑफ अस, है ना। मिस्टिक, मैग्नेटो, एक्समैन। सो दिस मूवी सीन टॉक्स अबाउट कि अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ योर्स कि आप वो बनना चाहते हैं जो दुनिया आपको एक्सेप्ट करे, एंड व्हाई यू हैव टू डू दैट। अगर ऐसा करना होता तो फॉर श्योर जो मेरी पहली जॉब थी सैमसंग की, आई वॉज इन साउथ कोरिया, मैं उसको कभी नहीं छोड़ता। और उसके बाद जब मैं इसरो में था, माई फर्स्ट लव ऑब्वियसली, मैं उसको भी कभी नहीं छोड़ता। बट देन यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जब 20s होती है ना अपनी, तो हम दिल से देखते हैं, दिल से सोचते हैं, दिल से सुनते हैं, दिल से बोलते हैं, दिल टूटता है। लेकिन जैसे जैसे आप नेविगेट करोगे ना इन 20s में, यू विल रियलाइज कि यू हैव गॉट द सेंसेस। आपको कानों से सुनना है, आंखों से देखना है, दिमाग से सोचना है, दिल को दिल का काम करने दो, लेट इट बीट। ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर व्हाट वी नीड इज, यू वांट सोसाइटी टू एक्सेप्ट यू बट यू कांट इवन एक्सेप्ट योरसेल्फ। मैग्नेटो ये मिस्टिक को बोल रहा है, वी आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ आवर एनर्जीज कि हमें सोसाइटी एक्सेप्ट करे जैसा वो चाहते हैं। व्हाई यू हैव टू बी लाइक दैट, बी द बेस्ट पार्ट ऑफ योरसेल्फ। और ये 20s में आप कर सकते हैं। जब आप बात करते हैं व्हेन यू आर इन दिस दीज, देखो प्रॉब्लम क्या है ना 20s की, आप बड़े भी हो चुके हैं बट आप मैच्योर भी नहीं है इतने। अब आप अपने मम्मी पापा की नहीं सुनते, आप उनको समझाने लग जाते हैं। यू स्टार्ट प्रीचिंग, अरे ऐसा नहीं होता है, मुझे पता है मैं बड़ा हो गया हूँ, मैंने कॉलेज लाइफ देख ली है, राइट। बट यू स्टिल डोंट हैव द एक्सपीरियंस, एंड आई हैव सीन दैट पार्ट। बहुत सारी जगह पे मैं गलत हुआ हूँ, बहुत सारी जगह पे डिसीजंस रैश हुए हैं, बट देन वी इवॉल्व, वी लर्न। और वो कैसे होता है, वी विल सी दैट थिंग। यहाँ पे पर्सपेक्टिव में रखते हैं, व्हाट इज द फास्टेस्ट थिंग यू हैव सीन मूविंग, सबसे तेज क्या चलते देखा है? एक स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिट में जब चलता है, वो चलता है 7 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। स्पेस क्राफ्ट इन ऑर्बिट मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। फ्रॉम द सन इट रीचेज अर्थ, 15 करोड़ किलोमीटर चल के आती है लाइट, एंड इट टेक्स अराउंड 8 मिनट्स। अगर मैं और दूर आता हूँ, लेट्स रीच हेयर एट नेपट्यून, इट विल टेक फ्यू आवर्स। लेट्स से वी गो टू द एंड ऑफ द ऊर्ट क्लाउड, जहाँ तक सूरज का इम्पैक्ट है वो ऊर्ट क्लाउड है, इट विल टेक अराउंड 1.7 ईयर्स फॉर द लाइट टू रीच हेयर। उसी लाइट की मैं बात करूँ तो वह 1 सेकेंड में धरती के 3 चक्कर काट देगी। कैन यू सी दैट डॉट? इट्स अ वेरी वेरी फेमस थिंग, द पेल ब्लू डॉट। होता क्या है ना, हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को अपने से बड़ा कर लेते हैं। वी मेक आवर प्रॉब्लम्स बिगर देन आवर सेल्फ। वी हैव द एनर्जी, हम जानते हैं हमें क्या करना है,
बट वी डोंट हैव द एक्सपीरियंस, वी डोंट हैव द गाइडेंस. तो जब मैं बात करता हूँ इस पेल ब्लू डॉट की, दैट्स अर्थ, दैट्स अर्थ. अगर मैं लाइट को छोड़ता हूँ, यू नो वी आर इन अ मिल्की वे गैलेक्सी, आर गैलेक्सी इज अ मिल्की वे गैलेक्सी. मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अंदर सूरज से धरती जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है. 8 मिनट लगते हैं सूरज की रोशनी को धरती तक आने में. लेकिन मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, इफ से दिस इज वन ऑफ वन एंड ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, अगर मैं यहाँ से लाइट को छोड़ूंगा, इट विल टेक लाइट 1 लाख लाइट ईयर्स, 1 लाख साल लगेंगे उस लाइट को मिल्की वे गैलेक्सी को क्रॉस करने में. नाउ जस्ट थिंक अबाउट दिस कि डू यू हैव एनी राइट जहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को अपने से बड़ा कर लें, आप डीमोटिवेट होकर बैठ जाएं, आप स्ट्रेस लेके बैठ जाएं. नथिंग कैन बी बिगर देन योर हैप्पीनेस, नथिंग. अब करें कैसे? ज्ञान तो मैंने सारा दे दिया ना, खुश रहो, अपनी प्रॉब्लम्स को बड़ा मत रखो, अचीव इन लाइफ, यू हैव ऑल द एनर्जी, यू हैव ऑल द टाइम, बट हाउ दिस कैन बी डन, लेट्स अंडरस्टैंड. राइट, लुक एट दिस. ये रिसेंट कुछ स्पेस मिशंस हैं. दिस इज द स्पेस मिशन फ्रॉम जापान स्पेस एजेंसी, जाक्सा, स्लिम नाम था इस मिशन का. इट वॉज सपोज टू लैंड ऑन द मून साइडवेज, लेकिन ये उल्टा गिर गया. यू कैन सी दैट दिस इज द नोजल, इंजन है ये इसका, ये उल्टा गिर गया सर के बल. ये अभी रिसेंटली इंट्यूटिव मशीन्स ने अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नासा, फिर से दे वॉन्ट टू गो टू द मून, उनको चांद पर जाना है. ह्यूमैनिटी वॉन्ट्स टू गो टू द मून, वी वॉन्ट टू एक्सप्लोर मून, बहुत बड़ा एम्बिशन है, राइट. बट स्टिल यू कैन सी दिस, यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो लैंडर है ये साइडवेज गिर गया. नेक्स्ट, वी हैव सीन समथिंग लाइक दैट. कैन यू रिकॉल ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये चंद्रयान 2 का ग्राफ है. चंद्रयान 2 2019 में जब पूरी इंडिया या पूरी दुनिया अपनी आंखों को, लाइव स्ट्रीम जो आ रही थी इसरो की, उस पर टिका के बैठी हुई थी, स्क्रीन यहाँ फ्रीज हो गई थी और विक्रम लैंडर जो था वो क्रैश लैंड कर गया था, क्रैश लैंडेड. नाउ जब मैं बात करूँ ना, तुमको लगेगा यार ये तो फेलियर्स की बात हो रही है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट फेलियर. जापान फेल हो गया, नासा कॉन्ट्रैक्ट में 2 लॉन्च हुए वो फेल हो गए, चंद्रयान फेल हो गया. यू नो व्हाई? यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि व्हेन वी डिज़ाइन चंद्रयान, देखना रिलेट कर पाओगे, तो वहाँ पर जो अप्रोच थी वो ये थी कि कुछ भी गलत नहीं होगा, हमने सब अच्छा किया है, सब सही किया है, रोबस्ट सिस्टम है, सब पता है, इतने दिनों से, इतने सालों से सैटेलाइट्स बना रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, एंड वी हैव द एक्सपर्टीज, हमने इतने सारे मिशंस देखे हैं जो चांद पर गए हैं, वी हैव द एक्सपर्टीज. बट नेक्स्ट इन ईयर 2023 वी सॉफ्ट लैंडेड ऑन द मून. दिस अ ब्लैक एंड वाइट पिक्चर टेकन बाय प्रज्ञान ऑफ आर विक्रम लैंडर. वी सॉफ्ट लैंडेड ऑन द मून. क्या बदला सॉफ्ट लैंडिंग में, क्या बदला? नाउ हियर कम्स द मेन एस्पेक्ट. हम स्पेस इंडस्ट्री में 3 वर्ड यूज़ करते हैं, गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल. व्हेन गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल आपके कुछ एनोमली कर जाते हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्रैश लैंडिंग होती है. व्हाट हैपेंड विद विक्रम? विक्रम के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी कि उसका जो गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल था वो उसकी ओरिएंटेशन को कंट्रोल नहीं कर पाया, उसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाया, एंड इट क्रैश लैंडेड ऑन मून. बट जब हमने चंद्रयान 3 का विक्रम बनाया, आर अप्रोच वॉज वॉट इफ एवरीथिंग फेल्स, अगर सब कुछ फेल हो गया तो. पिछली अप्रोच थी अरे कुछ नहीं, सब मस्त होगा, अपन ने बनाया है, अच्छे से टेस्ट किया, ग्राउंड टेस्ट करे हैं, इतने सारे रिव्यू हुए हैं. बट देन वी सॉ द हार्श रियलिटी. यहाँ पर वी हैव टेस्टेड दोज एरर्स जो कि 1,000,000 में एक बार होता है, कि अगर आप 1,000,000 बार कोई चीज़ रिपीट करते हो और एक बार गलत हो, उसको भी टेस्ट किया है. हाउ मेनी टाइम्स इन आर लाइफ वी डू दैट? कब अपन इतना समय देते हैं अपने सपनों को कि हम उन छोटी छोटी डिटेल्स को ध्यान रखें कि अगर ये गलत हुआ तो. हमारी अप्रोच क्या होती है? हमारी अप्रोच होती है अरे नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, मैंने पूरी जी जान लगाई है. वही साइंटिस्ट थे, वही इंजीनियर्स थे, वही मैग्निफिसेंट ब्रेन्स थे, बट चंद्रयान 2 का रिजल्ट अलग था. और वही साइंटिस्ट, वही इंजीनियर्स, वही मैग्निफिसेंट ब्रेन्स, बट वन सिंगल लर्निंग दैट थिंग्स कैन गो रॉन्ग. क्या करा? सॉफ्टवेयर को अपडेट किया, गाइडेंस यू नो, अगर अपन अपनी डेली लाइफ की बात करें तो हाउ वी कैन गेट द गाइडेंस, कहाँ से मिलेगा गाइडेंस? व्हाट डज इट मीन बाय गाइडेंस?
someone has to tell you, right? कोई बताएगा आपको. तो जरूरी नहीं आप ये बोले कि मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो मैं कहाँ से गाइडेंस लाऊँ. गाइडेंस आपको चाहिए, कौन दे सकता है? लेट्स से कि अगर मेरे पास एक बच्चा आता है, आई कैन टेल हिम, दैट्स गाइडेंस. मैं बता सकता हूँ क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू इन योर लाइफ, हाउ यू कैन अचीव योर ड्रीम्स. बट देन उतना काफ़ी नहीं है. वो विक्रम के पास भी था चंद्रयान 3 में, और वो चंद्रयान 2 में भी विक्रम के पास था. दे हैड द गाइडेंस सिस्टम. देन कम्स द नेविगेशन. मीन्स सब बता दिया, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है. यू माइट हैव हर्ड अबाउट द 17 मिनट्स ऑफ टेरर, कि जब विक्रम लैंडर चांद पर उतरने वाला होगा तो लास्ट के 17 मिनट मैटर करते हैं. वहाँ गड़बड़ हुई तो सब गड़बड़. वेयर डिड वी फेल इन चंद्रयान 2? वी फेल्ड इन लास्ट कल्मिनेटिंग 30 to 20 seconds. हम वहाँ फेल हुए थे, बाकी सब परफेक्ट था. ऑल दोज 42 डेज वर अमेजिंग, बट लास्ट के वो 30-40 सेकेंड में गड़बड़ हुई एंड द मिशन फेल्ड. बट हियर दैट डिन हैपन. वाई? बिकॉज द गाइडेंस, द नेविगेशन एंड द कंट्रोल, यानी एक्सपीरियंस, समवन टू टेल यू द राइट वे, राइट पाथ, समवन टू टेक यू टू द डेस्टिनेशन एंड समवेयर द कंट्रोल. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों. आपको बेस्ट गाइडेंस मिल जाएगा. यू गेट द बेस्ट मेंटर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेंटर, जो आप अज्यूम कर सकते हो बेस्ट. यू गेट द बेस्ट नेविगेशन. वो पूरा रूट मैप बना देगा आपके लिए. ऐसे करना बेटा, ये करना बेटा, यहाँ जाना, फर्स्ट ईयर में ये करना, सेकंड ईयर में ये करना, जॉब के लिए ऐसे करना, ऐसे पढ़ना, इस तरीके से अपने रिज्यूमे को बनाना, अपने GD और PI के लिए ऐसे प्रिपेयर करना, सब बता दिया. बट हु इज गोइंग टू डू दैट? करेगा कौन? लेकिन अपनी तो अलार्म हम लगाते हैं 6 बजे की, रोज स्नूज ही होती रहती है. 6:15, 6:30, 6:45, 7, ब्रेकफास्ट ही मिस हो जाता है 6 बजे के अलार्म से. नहीं, मेरे साथ भी ऐसा नहीं, तभी तो पता है, नहीं तो मेरे को क्या पता चलेगा यार. राइट? आई हैव डन ऑल दैट. इतने व्यस्त हैं जिंदगी में, मूवीज देखने में, सीरीज देखने में, कि नहाने का टाइम नहीं है यार. सी, फॉरगेट अबाउट द ड्रीम्स. वो तो पूरी सुबह 3 बजे सोते हैं और 11 बजे उठते हैं, तो वही तो देखते हैं. यू नीड द कंट्रोल. एंड हु कैन इंस्टिल दैट कंट्रोल? कौन देगा? कहाँ से आएगा? इट्स राइट देयर. वो वहीं है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. तो अगर अब मैं वापस आता हूँ और खुद की बात करता हूँ, तो क्या गलतियाँ की मैंने? गलतियाँ मैंने बहुत करी. मैंने इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ की कि मेरी डीन से बिगड़ गई थी when I was in college. तो ये बहुत बड़ी गलती है, being in a college और आपकी डीन से बिगड़ जाए. क्योंकि डीन से बिगड़ी तो आगे काफ़ी मेरी लाइफ में हिकअप्स काफ़ी आए, काफ़ी ऑब्स्टेकल्स आ गए, काफ़ी परेशानियाँ हो गई. मैंने उससे कुछ सीखा और मैंने एक कदम आगे बढ़ाया. मैंने वो समय देखा है दोस्तों, जहाँ पर जॉब ऑफर्स को रिकॉल कर लिया गया था, अच्छे खासे पैकेजेस को पिंक स्लिप दे दी गई थी. एक टर्म बहुत फेमस हुआ था, पिंक स्लिप. मतलब बहुत हम्बल तरीके से कहना कि हमने आपको जो भी जॉब ऑफर किया है, इट डजंट स्टैंड एनी मोर, ख़त्म है वो, मत आना. वहाँ से आई मेड इट टू सैमसंग. आई वॉज इन साउथ कोरिया, आई वॉज इन नॉर्थ अमेरिका टीम. वी डिज़ाइंड दी हैंडसेट्स गैलेक्सी वाइब्रेंट एस टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द अमेरिकन मार्केट. वी डेवलप द ब्लूटूथ स्निफिंग एप्लीकेशन. फ्रॉम देयर आई केम बैक टू इसरो. इसरो के अंदर आई हैव वर्कड ऑन. रिसेंटली इनसेट 3DS लॉन्च हुआ है. आई वॉज द पार्ट ऑफ इनसेट 3D, 3D, 3DR एंड 3DS, 3 सेटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं. आई हैव वर्कड ऑन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट्स, आई वर्कड ऑन स्टूडेंट सेटेलाइट्स, आई वर्कड ऑन मंगलयान. लेकिन मैंने वो भी छोड़ दिया. एंड आई टेक टुक अ वेरी बोल्ड डिसीजन, वेरी वेरी बोल्ड डिसीजन. जस्ट प्रमोशन हुआ है, बेस्ट ग्रेडिंग मिली है मेरे को. GSET प्रोग्राम में अगले आने वाले लॉन्च के लिए मेरे को जो प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए होता है, मेरे को उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है. बट देन आई टुक अ डिसीजन. वहाँ पर आई लिसन टू माई सेल्फ और आई स्टार्टेड वर्किंग विद स्टूडेंट्स. अभी तक एट दिस मोमेंट जब मैं यहाँ खड़ा और आपसे बातें कर रहा हूँ, उस वक्त तक 50,000 से ज़्यादा बच्चों को मैंने टच करा हुआ है इन देयर लाइव्स, इन शेपिंग देयर ड्रीम्स, इन मेकिंग देयर ड्रीम्स अ रियलिटी. मैंने बच्चों को इंस्पायर और एस्पायर किया फ्रॉम द क्लास 9th, जहाँ पर पेरेंट्स को लगता है कि बस एक ही रास्ता है, उधर भागो. राइट? यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग. सबको एक ही रास्ता लगता है, एक ही रास्ता है, बस इसी रास्ते पे भागो और वहाँ पे जो मिला वो ठीक है, नहीं तो लाइफ इज़ अ फेलियर. नाउ माई स्टूडेंट्स आर राइट नाउ डूइंग देयर डिग्रीज इन USA, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया. एक ऐसे बच्चे को जिसकी फैमिली ने उसको किडनैप किया था, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर बाल विवाह एक कर्स है, बट वो बाल विवाह की कैपिटल है इंडिया की. तो जब उस बच्चे ने 10th पूरी करी तो उसकी फैमिली वालों ने बोला, नहीं नहीं अब शादी करनी पड़ेगी, जिससे कि एक और मेंबर आए और फिर आप काम करें कम ठाने पे. कम ठाना मतलब लेबर. वो बच्चा पिछले साल
यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिलता है उसको. सो ये जो 20s का टाइम होता है, जो मैंने सीखा, जो मैंने समझा और जिस तरीके से मैंने इन्वॉल्व किया अपने आप को बच्चों के साथ, आई जस्ट टेल यू वन थिंग, यू हैव इनॉर्मस एनर्जी, यू हैव इनॉर्मस टाइम, यू हैव इनफाइनाइट एस्पिरेशंस, बट यू हैव टू बी द बेस्ट ऑफ यू. फाइन, तो वॉट ऑल यू कैन मेक आउट ऑफ दिस, ये जो आज मैंने बात करी है, इसमें तीन चीज़ें सदा ध्यान रखना दोस्तों. गलतियाँ आप करेंगे, आप ये नहीं कह सकते कि आप कभी लाइफ में गलती नहीं करेंगे. गलती आप करेंगे, गलती सबसे होती है. ऑन इट, जब तक ऑन नहीं करेंगे ना वो सही नहीं होगी. यू हैव टू नेविगेट योर 20s एंड यू हैव टू बी रिलैक्स इन योर 30s, देन यू हैव टू ऑन योर मिस्टेक्स. अगर अपनी गलतियों को ऑन नहीं करेंगे तो सही किसको करेंगे? अगर आप अपनी गलतियों को दूसरे पे डाल देंगे तो आप सही किसे करेंगे? और अगर आप अपनी गलतियां सही नहीं करेंगे तो यू आर बाउंड टू फेल. अगर वही चीज़ वापस कर देता इसरो, अगर वही चीज़ वापस कर देंगे एस्ट्रोबोटिक वाले, जिनका पेरेग्रिन के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि जब वो लॉन्च व्हीकल से अलग हुआ वो घूमने लग गया. नेविगेशन ये कहता है कि हर स्पेसक्राफ्ट के ऊपर देर हैज़ टू बी सम सेंसर्स. हाउ यू आर गोइंग टू लोकेट योरसेल्फ इन स्पेस, कैसे आप अपने आप को स्पेस में लोकेट करेंगे? लेट्स टॉक अबाउट दिस. अगर मुझे MIT ADT आना है, व्हाट आई हैव टू डू? आई नो नथिंग अबाउट पुणे. लेट्स से आई जस्ट लैंडेड ऑन दी पुणे एयरपोर्ट और मुझे MIT ADT आना है, कैसे आऊँगा मैं? आ सकता हूँ? कैन आई कम? आई जस्ट नीड वन माई सेलफोन, है ना, गूगल पे डालो आ जाओगे. ओके, हाउ यू आर गोइंग टू लोकेट अ स्पेस क्राफ्ट इन डीप स्पेस, कैसे उसको लोकेट करोगे? देयर इज अ प्रॉब्लम देयर, देयर इज नो रेफरेंस. अर्थ आपको एक गोला दिखता है, यू जस्ट सी अर्थ एज अ स्फेरिकल बॉल. वहां पर नेविगेट करने के लिए वी टेक हेल्प ऑफ द स्टार्स, वी टेक हेल्प ऑफ द सन. ये नेविगेशन का पार्ट है. सो व्हाट हैपन्स, स्पेस क्राफ्ट फोटोज खींचता है खूब सारी, ऑन बोर्ड पिक्चर्स को उससे कंपेयर करता है, करेक्ट करता है अपनी पोजिशन को और फिर अपने रास्ते पे जाता है. एंड द सेम थिंग व्हेन वी स्टेप इनटू आवर 20s, वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू टेल आवर सेल्फ कि भाई फाइन ट्यून करो, अपना रास्ता ढूंढो. जो आपके पास गाइडेंस है उसके साथ अपने नेविगेशन को मैच करो एंड यू शुड हैव कंट्रोल योर सेल्फ. नहीं तो देर आर सो मैनी स्पेस मिशंस दैट हैव फेल्ड. एक स्पेस मिशन तो ऐसा था, बड़ी रिनाउंड स्पेस एजेंसी का, जो जाना चाहते थे मार्स पे, लेकिन मार्स तो छूट गया, मार्स के चांद पे घूमे और वो भी छूट गया क्योंकि लॉन्च के टाइम पे छोटी सी गलती हुई. सो दे आर इमेंस नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स दैट एग्जिस्ट, जहाँ पर अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं, यू कैन हैव लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस टू टॉक अबाउट, बट यू शुडंट हैव, इफ यू डोंट हैव कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, द सिस्टम इज़ बाउंड टू फेल, बट यू हैव टू ऑन योर मिस्टेक्स. थैंक यू.